ये 501 कौन है? 501 तो रोल नंबर ही नहीं है हमारी क्लास में। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। और मैम आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू। ये अरसलान नासिर आपकी क्लास में है? यस मैम। इनका रोल नंबर नहीं साफ लिखा हुआ, इसलिए पूछना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या आपने वो क्वेश्चंस किए जो मैंने आप लोगों को दिए थे हो सके? स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप लोग नजर आ रही हो कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के लास्ट क्लास थी हमारी, उससे हमने मैट्रिक्स के आंसर पढ़ा था और अब हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पढ़ेंगे। और इसमें हम एक तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। 50% मटेरियल जो आपको अवेलेबल है नेट पे और बुक्स में, उसमें इसकी फर्स्ट डेफिनेशन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये लिखी हुई है और बाकी हाफ में वो है। एक्चुअली दोनों लिंक्ड हैं और जिसके बुक जिस सिनेरियो में लिखी होती है उसके मुताबिक इसको यूज़ किया जाता है। और एट दी दोनों को हम लोग डिस्कस करके आखिर हम ये भी आपको मतलब तो मैं ये मेक श्योर करवा दूंगी कि दोनों एक ही चीज़ है, जस्ट लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। और थर्ड वन हम ये देखेंगे कि ये हम करते क्यों हैं काम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। ये जो हम लोग पोर्शन पढ़ रहे हैं ना अपने कोर्स का, ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको डिले करेंगे यानी आप रोज़ का काम रोज़ नहीं करेंगे तो सिंबल्स आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे बाद में। तो इसलिए बेहतर है कि जितना मैं आपको थोड़ा बहुत काम देती हूँ आप उसको साथ साथ करते जाएँ। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, इसमें द रूल विच असाइन टू एनी वेक्टर्स एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू टी पी एम। टी पी एम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फील्ड ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स है एट एनी सरफेस एम एट एनी पॉइंट पी। जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स टेंजेंट्स हम लोग ले सकते हैं, जितने भी हम बना सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे किसी भी सरफेस एम पे मौजूद, वो सब कलेक्शन टी पी एम में आ जाएगी।
और ये अब एक्चुअली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फंक्शन द रूल विच असाइन टू एनी टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू डीपीएम, यानी कोई स्लो टेंजेंट वेक्टर्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं, देयर इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, और इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहलाता है ऑफ दी सर्फेस एम, जिस सर्फेस के ऊपर भी हमने वो पॉइंट और टेंजेंट्स लिए हैं। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन आर वन प्लस एक्स टू आर टू, अगर हमने ये दोनों टेंजेंट वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एक डायरेक्शन आर वन ले ली और एक आर टू ले ली, वाई इक्वल्स टू वाई वन आर वन प्लस वाई टू आर टू, देन द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज गिवन बाय आई एक्स वाई, इसको आई डिपेंडिंग जो दो वेक्टर्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं उन्हीं को हम लोग साथ में मैंशन कर देते हैं, तो ये आई एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन आई एंड जे फ्रॉम वन टू टू जी आई जे एक्स आई एंड वाई जे इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एंड जी वन वन जी वन टू जी टू वन जी टू, ये हम लोग इसमें ले लेते हैं, और एक्स वन ये मेट्रिक ट्रांसफर है जो हमें पहले हमने फाइंड आउट किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और ये वाई वन एंड वाई टू हम इसको रखते हैं, एक तो ये मेथड है, यानी अगर आप लोग मेट्रिक आपको मेट्रिक ट्रांसफर गिवन है और आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास दो वैक्टर्स गिवन है, तो फिर आपने अगर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो आप इसको इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं, ये तो एक मेथड हो गया। सेकंड वन क्या है, द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सरफेस इन आर क्यू इज द एक्सप्रेशन वी डॉट वी वेयर वी इज इक्वल टू आर यू डी यू प्लस आर वी डी वी, ये वो वाला ये जो अब केस है जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली सेम है, इसे हम लिंक करते हैं अभी, और ये केस हम प्रेफर करेंगे क्योंकि हम लोग आगे जितनी भी हमारी कैलकुलेशन हैं वो इन ये इसी फॉर्म में होगी, ठीक है, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम इसको लेके चलें, वैसे ही दोनों सेम है, अभी दो तीन लाइन्स के बाद आप वो पता लग जाएगा कि दोनों सेम है, इसमें कोई से दो वेक्टर्स भी लिए हुए हैं, फिलहाल इनके बारे में कुछ ये नहीं कहा हुआ कि ये टेंजेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है, आर क्यूब में किसी भी सरफेस पे दो वेक्टर्स लिए गए हैं, वेयर बी जो है वो इसी फॉर्म में होगा कंपोनेंट फॉर्म में आर यू यू डायरेक्शन में एंड आर वी उस डायरेक्शन में भी, वी राइट फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एज ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन बनता है इसको भी हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं, और इसको हम लोग ये आई एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी करते हैं, ठीक है, और अब ये जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का, इसके इसमें ई जो है इक्वल होगा आर यू डॉट आर यू, एफ इज इक्वल टू आर यू डॉट आर वी एंड जी इक्वल्स टू आर वी डॉट आर वी, ये तो इसका ये फॉर्मूला है, जस्ट ये हमने काम करना है, हमें सिर्फ ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ये एक्सप्रेशन ई डी यू स्क्वेयर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग ई एफ और जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और इट इज़ अ क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी ये, इसमें देखते हैं स्क्वेयर इन्वॉल्व हैं, और बायलिनियर होगी, बायलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब वेक्टर्स में से लेगा वैल्यूज और आंसर हमें इसके लिए देगा विच इज़ लीनियर, और लीनियर होना चाहिए, दैट्स वाई हम इसे बायलिनियर कहते हैं, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है हम लोगों ने यूक्लिडियन और फाइन स्पेसिस का जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है, वैसे आप वेक्टर स्पेसिस पढ़ चुके होंगे उसमें भी आपने इसको बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, और मैंने इसको जॉइंट एप्लीकेशन से शो कर दी कि फंक्शन अगर लैम्डा यू प्लस फाइव वी एंड डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो स्केलर जो है बाहर आ जाएंगे और वी जो है वो यू डब्ल्यू प्लस फाइव इंटू बी वी एंड डब्ल्यू पे अप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्म मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, तो अब आपको क्वाड्रेटिक की समझ आ गई, क्वाड्रेटिक यस मैम, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इसमें टू पार तक हर चीज इसमें इन्वॉल्व होगी, और बायलिनियर का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जो कि स्केलर्स वेक्टर्स पे अप्लाई होगा और आंसर स्केलर फील्ड में देगा और वो लीनियर होगा, लीनियर मीन्स के जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है जिससे मैंने यहाँ पे जॉइंट लिख दी है, वैसे ये सेपरेट भी होती है, यानी इसमें अगर बी लैम्डा यू एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू लैम्डा यू डब्ल्यू होना चाहिए था, और सेकंड वन इसमें ये होती है कि अगर सम हो रहे हैं कोई से दो वेक्टर्स यू प्लस वी की फॉर्म में है तो पहले यू और वी दोनों पर सेपरेटली अप्लाई होगा, और हम इसको इस तरह जॉइंट भी लिख सकते हैं अगर हम एक्सपर्ट हो जाएँ, और अगर हमें अभी इतना ज़्यादा क्लियर ना हो तो हम दोनों को सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये एक इनर प्रोडक्ट होगी, और इसमें ये बात देखिए वहाँ पे लिंक हो गया कि इट इज़ अनर प्रोडक्ट ऑन टेंजेंट स्पेस, तो यानी जो वेक्टर्स हम लोग ले रहे होंगे यहाँ पर वो टेंजेंट्स होंगे और इनर प्रोडक्ट होगी ये, तो दिस मीन्स के हमने इस
सेंटेंस के थ्रू इस डेफिनेशन को पिछली डेफिनेशन के साथ लिंक कर दिया. ठीक है, पिछली डेफिनेशन में हम लोग चले ही टेंजेंट स्पेस की हमने बात की थी और हमने डिफाइन इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में किया था और इसमें हमने एक जनरल वेक्टर को लेके चले थे, लेकिन हमने बाद में बता दिया कि जो हमने डॉट प्रोडक्ट्स लिए थे और हमने बता दिया कि जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म बन रही है ये एक्चुअली एक इनर प्रोडक्ट है और टेंजेंट स्पेस पे है, यानी कि इसमें जो वेक्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे वो एक्चुअली टेंजेंट्स होंगे. तो ये लिंक होगी दोनों डेफिनेशन, दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. हम इनको यूज़ क्यों करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इनके अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसको चाहें तो मोस्टली अक्सर आप इसको आई की फॉर्म में देखेंगे इस तरह से, तभी आपने परेशान नहीं होना, आपके जहन में फ़ौरन ये वाली फॉर्म आनी चाहिए आई को देखते हुए, ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर. और ये कैलकुलेशन ई एफ और जी की जो है ये बहुत आसान है, अभी इसमें हम रेलिवेंट एग्जाम्पल भी करेंगे. और इसमें देख लें यहाँ पर अगर आपको टेंसर मेट्रिक टेंसर की गिवन है तो आप उसको यूज़ करते भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्म को, और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप आराम से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद इसमें इसकी यूजेस क्या होंगी, इट डिस्क्राइब द मेट्रिक प्रॉपर्टीज लेंथ एंड एरिया ऑफ द सरफेस, यानी मेट्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेगा. मेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेंथ और एरिया ऑफ द सरफेस. एक्चुअली हम लोग ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये बेस है कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी की. तो अब कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी में एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं कि हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं और हमारी जो डायमेंशंस हैं वो बहुत हायर हो जाती हैं, हम इसमें से निकल आते हैं ये जो वर्ल्ड जिसके अंदर हम हैं, वर्ल्ड इन द सेंस के हम ये जो पेपर पे अपना काम कर रहे हैं और जो हम कैलकुलेशन मैथमेटिकल अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं, आप थ्री डायमेंशन तक गए हैं, तो हम इससे ज़रा हायर डायमेंशन पे चले जाते हैं जहाँ पे ऑब्जर्व चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी आसान नहीं है और जहाँ पे उनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है. तो वहाँ पे जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्टडी और रिसर्च के लिए वो आप लोग इस कोर्स में अब जो अगले जितने भी लेक्चर होंगे आप उसमें वो पढ़ेंगे. उसमें से एक मेट्रिक टेंसर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं. तो जब हम लोगों ने यूनिवर्स में कोई चीज़ ऑब्जर्व की है और हम उसकी लेंथ और एरिया के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो फिर हम लोग इस फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से वो हेल्प लेंगे. कैसे लेंगे ये भी हम लोग आज ही देखते हैं लेक्चर में. इसके बाद जो है थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन है कि क्या होगा इसमें, क्यों यूज़ करते हैं हम. इट इनेबल्स टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कर्व्स ऑन द सर्फेस. अगर हम लोगों ने कोई सर्फेस ऑब्जर्व किया है एंड एरियाज ऑफ द रीजन ऑन द सर्फेस और हमने रीजन कुछ सर्फेसेस हमने ऑब्जर्व किए हैं तो हम उनके उनके ऊपर जो कर्व्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करनी हो या हमने एरिया ऑफ द रीजन जो हमने अंडर डिस्कशन रखा हुआ है उसको डिस्कस करना हो तो उसके लिए अभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. The line element in terms of coefficients of first fundamental form can be expressed as line element actually एक distance होता है ds square से represent करते हैं इसे हम लोग और first fundamental form को use करते हुए ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर इस तरह से भी हम लोग इसको represent कर सकते हैं. line element actually बिल्कुल ऐसे ही एक चीज़ है जिससे आप लोगों को पता है कि आप लोग के names के साथ हम लोग आपको पहचान सकते हैं, प्लस ये के आप नेम्स और रोल नंबर्स हमें हेल्प आउट करते हैं ये देखने में कि कौन सी आर और जी आर है. इसी तरह लाइन एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प आउट करती है. जैसा कि हम लोग कॉस्मोलॉजी में इस वक्त जो मैक्सिमम रिसर्च कर रहे हैं वो हम लोग एफ आर डब्ल्यू यूनिवर्स में कर रहे हैं. तो इस यूनिवर्स मतलब हमने सोचा हुआ है कि ये एफ आर डब्ल्यू यूनिवर्स जो यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं उसमें उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक लाइन एलिमेंट की हेल्प लेते हैं. वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि आपके सामने डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ एक्सप्रेशन डिफरेंट होती हैं तो उससे हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. इसी तरह लाइन एलिमेंट होता है ब्लैक होल के लिए और वर्म होल्स के लिए. तो लाइन एलिमेंट को देखते ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो डिस्कशन इस वक्त चल रही है मैथमेटिकली जो काम हम कर रहे हैं वो हम लोग ब्लैक होल वाइट होल या वर्म होल या फिर यूनिवर्स के बारे में कलेक्टिव काम कर रहे हैं. तो ये जो लाइन एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट क्या है मतलब ये सारे डिपेंड इस पे कर रहे हैं. लाइन एलिमेंट को लेते हैं उसके बाद हम फर्दर अपनी रिसर्च करते हैं. जैसा कि हमने देखा कि यूनिवर्स पे एक्सपेंड हो रही है और एक्सपेंशन कैसे पता लगी कि हबल टेलीस्कोप से जब ऑब्जर्व किया गया तो गैलेक्सीज जो है उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया हुआ था. मतलब जहाँ पे पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वो उससे थोड़ा सा दूर हो चुकी हुई थी और मुस्तकिल दूर होती चली जा रही हैं. और ये ऑब्जर्वेशन अब हम ये भी ऑब्जर्व हम लोग काफ़ी काम इसमें हो चुका है और हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम
डार्क एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सपेंशन की, क्योंकि उसमें क्वालिटी है कि वो नेगेटिव है, यानी वो अट्रैक्शन की बजाय वो सेपरेट करती है, दूर करती है चीज़ों को, तो वो रीज़न है इस एक्सपेंशन का। और ये सारी स्टडीज़ चल रही हैं, और ये सारी स्टडीज़ ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है मुझे कि ये लाइन एलिमेंट की हेल्प से हम लोग यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और हम उसकी उस पर डिस्कशंस कर रहे हैं। प्लस ये जो फिर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, इसकी हेल्प से हम लोग एरियाज, कोई एक स्पेसिफिक रीजन अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक होल की बात ही कर रहे हैं, तो ब्लैक होल क्या है, स्पेस में एक रीजन है जहाँ पे जो पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, और हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे मैटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब वो जो स्पेस रीजन ऑफ द स्पेस, पर्टिकुलर रीजन जिसे हमने ब्लैक होल का नाम दे दिया है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। अब वो एरिया वाले फॉर्मूले तो नहीं चलेंगे ना, जो हम लोग यहाँ पे अपने स्क्वायर और सर्कल इस तरह इन चीज़ों के लिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर हमें इस फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और इस तरह की और भी हम चीज़ें अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उनकी हेल्प से हम ये सारी स्टडी करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह अगर हमने एरिया फाइंड करना है, तो फिर आप लोग ये जो ई जी, अब जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है एक्चुअली वो ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, ये उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसमें ई एफ और जी कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग लास्ट पेज पर डिस्कस कर चुके हुए हैं। और अब हम जब फाइंड कर चुके हैं ये ई एफ और जी को, तो फिर हम उसकी हेल्प से एरिया देखें स्क्वायर रूट लेके फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ अ कर्व ऑन द स्फीयर, अगर आपके पास एक स्फीयर है और आप उस पर उसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फ्रॉम जीरो टू टू पाई, ये लिमिट हम स्फीयर की वजह से ले रहे हैं, और फिर ये जो ई ये वो सारा एक्सप्रेशन है जो कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जिसे कह रहे हैं, हमने टी से डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी टी होल स्केयर हो जाएगा, और डी यू बाई डी टी एंड डी वी बाई डी टी होगा एफ के साथ, और जी के साथ डी वी बाई डी टी होल स्केयर, और फिर यहाँ पे डी टी, इससे हमारे पास लेंथ ऑफ द कर्व ऑन द स्फीयर आ जाएगी। और अगर हम लोग किसी स्फीयर के ऊपर कोई रीजन है जिसका हम लोग एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये रीजन वही है जो जिसको आप लोग कोऑर्डिनेट पैच भी कह लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जैसे आप जैसे स्फीयर की बात आए तो आपके जहन में फुटबॉल आना चाहिए, और फुटबॉल के ऊपर जो पैचेज हैं वो एक एक पैच को हम डिसाइड कर लेते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट पैच कह देते हैं, और उसको कह रहे हो एक रीजन है, और उसको हम लोग अगर एरिया फाइंड करना चाहें तो फिर ये जीरो टू टू जीरो टू पाई एंड फ्रॉम जीरो टू टू पाई, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के कोएफिशिएंट्स रख दिए और फार्मूला अप्लाई कर दिया। इस तरह से हम लोग एक वो रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आगे अगर चलें तो इसकी एग्जांपल देख लें। अब एग्जांपल में देखें, आपको एक स्फीयर गिवन है, ठीक है, और आर यू वी इसके एक्सप्रेशन ए साइन यू साइन बी आई प्लस ए कॉस यू साइन बी जे प्लस ए कॉस बी के, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। और फिर इसके बाद आर यू यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, तो ये ए कॉस यू साइन बी आई, और यहाँ पे प्लस ए था और कॉस यू था, तो ये माइनस ए साइन यू हो जाएगा, ठीक है, साइन बी जे, और लास्ट में क्योंकि यू नहीं है इसलिए वो जीरो हो जाएगा कंपोनेंट का डेरिवेटिव। इस तरह जब हम इसका वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा ए साइन यू कॉस बी आई प्लस ए कॉस यू कॉस बी जे, और लास्ट कंपोनेंट जो है ये माइनस ए साइन बी के हो जाएगा, ठीक है। और ई फाइंड करने के लिए हमें आर यू डॉट आर यू लेना है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, ये ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर यू प्लस साइन स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर यू साइन स्क्वेयर बी, इसका आंसर होगा, सिंपल कैलकुलेशन होगा। यहाँ से ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर बी हम कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस स्क्वेयर यू प्लस साइन स्क्वेयर यू, तो ये आपके पास आंसर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी आ जाएगा। इन्हीं लाइंस जो हमने लास्ट पेज पे फॉर्मूलाज पढ़े थे उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग फिर अब एफ की वैल्यू लेंगे, दैट इज आर यू डॉट आर बी, ठीक है, उनको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और इनके प्रोडक्ट लेने से आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। हमेशा जीरो नहीं होगा, कुछ केसेस में जीरो आएगा, कभी नहीं भी आएगा। और ई जो है ये ई नहीं, ई हम लोग लास्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर जी होगा, ठीक है, जी इक्वल्स टू आर वी डॉट आर बी, हमने वैल्यूज रख दी, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये जी की वैल्यूज को आप करेक्शन इसमें कर लें। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज हमें पता है ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दी, ई की वैल्यू रख दी, एफ जीरो था और ये जी की वैल्यू रख दी। इसके बाद नेक्स्ट जो है कोन जो हमने पढ़ी हुई, इसको हमने
पैरामीटराइजेशन की हम देखते हैं यहाँ पे आर एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और हम लोग पहले आर एक्स लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर आर वाई लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और ई जो है वो आर एक्स डॉट आर एक्स आंसर आपके सामने मौजूद है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने, और एफ जो है आर एक्स डॉट आर वाई होगा, ये भी सिंपल डॉट प्रोडक्ट सामने मौजूद है, और जी जो है वो आर वाई डॉट आर वाई, ये भी इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट पेज पे हम इसको एक्सप्रेशन में लिख देंगे तो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आ जाएगी, ये देखते हैं ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आ गई उसकी, और यहाँ पे यू और वी की जगह पे एक्स और वाई यूज़ कर दिए, जो भी वेरिएबल गिवन होगा हम उसी को यूज़ कर देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैन बी इवैल्यूएटेड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट, अभी तो ये हमने जनरली बता दिया ना इसका आंसर ये आ रहा है, हम इसको एक गिवन पॉइंट पे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, उससे हमारे पास एक नंबर की फॉर्म में कोई आंसर आ जाएगा, और ये हम लोग अभी आगे देखेंगे इसको करेंगे भी। द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज यूज टू मेजर द आर्क लेंथ ऑन द सर्फेस, हम इसको हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि हम लोग आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन कैसे होगा ये आप इसको देखें। वी हैव अ स्मूथ सर्फेस एक्सप्रेस एज आर यू वी, कंसिडर अ स्मूथ कर्व, कोई हमने कर्व उसको ले लिया, विद स्मूथ कर्व मीन्स तमाम डेरिवेटिव तमाम ऑर्डर्स के एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पैरामीटराइज एज हमने इसको आर को टी पे डिपेंड करवाया और फिर आर और यानी टी के वेरी करने से आपके पास वो कर्व डिस्क्राइब होगा, ये हमने लिख दिया, ये बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने लास्ट में कोन ली थी या अभी स्फीयर को लिया था। अलॉन्ग दिस सर्फेस विद टी रेंजिंग फ्रॉम ए टू बी, अगर हम लोग एंड पॉइंट्स ए और बी फिक्स कर लेते हैं जिनके दरमियान हम आर्क की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, देन दी आर्क लेंथ इज बाय फार्मूला, हमें पता है कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी जो कर्व आर्क है उसका डेरिवेटिव एंड मॉडुलस और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ आर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर प्राइम विद इटसेल्फ होगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हम लोग आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और फिर हमने हमें पता है आर ऑफ टी ये है, आर ऑफ यू एंड टी इसका डेरिवेटिव लिया, तो फिर वो आर यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू एंड आर वी एंड देन डेरिवेटिव ऑफ वी, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमने इस एक्सप्रेशन फार्मूला के अंदर ये वैल्यू रख दी, इसको रखने के बाद हमने क्या किया कि डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ये आर यू डॉट आर यू होगा और यू प्राइम टी इसमें भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, इसलिए ये यू प्राइम टी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब हम इसका सेकेंड के साथ लेंगे तो आर यू डॉट आर वी होगा और यू प्राइम एंड वी प्राइम आएंगे, और जब हम लोग इस सेकेंड नंबर पे जो कंपोनेंट है इसका फर्स्ट के साथ लेंगे तो भी आर वी डॉट आर यू एंड वी प्राइम एंड यू प्राइम आएंगे, तो दो दफ़ा ये चीज़ अपीयर होगी, दैट्स व्हाई हमने इसको टू इंटू आर यू डॉट आर वी एंड यू प्राइम एंड वी प्राइम लिख लिया, प्लस ये आर वी डॉट आर वी एंड वी प्राइम स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। उसके बाद हमें पता है कि आर यू डॉट आर यू ई के इक्वल होता है और आर यू डॉट आर वी एस के इक्वल होता है और आर वी डॉट आर वी जो है वो जी के इक्वल, तो इसलिए हमने ये वैल्यू यहाँ से हम लोग ये ई एस एंड जी आर वैल्यूज यूज इन फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, यहाँ से हम लोग यही प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर हम लोग नॉर्मल फार्मूला फॉर दी आर्क लेंथ जो हम लोग यूज करते आए हैं अगर हम उससे भी ले लें तब भी हम लोग ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस मीन्स जो हम लोग कह रहे थे कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को हम लोग आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसका प्रूफ भी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे लास्ट मेट्रिक के आंसर के लिए, उन्हीं सारे कर्व्स के लिए आप लोग ई एफ एंड जी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइव क्वेश्चंस हैं वो, उसके लिए आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, और अभी सारी इसकी फॉर्मूलाज भी इसकी डिस्क्रिप्शन भी इसके यूजेस भी आपसे डिस्कस कर लिए हैं मैंने, और आपको ये भी बता दिया कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, तो अगर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ये लेक्चर की पिक्स आप सेंड कर दीजिएगा लेक्चर के बाद, ये मैं आपको फौरन कर देती हूँ, और आप लोग एक बस काम शुरू करें कि जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं ना इजी नहीं मुश्किल नहीं है, इसमें कितनी सिंपल कैलकुलेशन है आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, तो लेकिन एक मसला ये कि अगर आप इसको साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए ये मिक्स हो जाएंगी सब चीज़ें, तो आप इनको इसको एटलीस्ट आधा घंटा लगा के मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा उससे भी कम टाइम में आप इसको ज़रूर कर लें, चाहे आप जैसे मर्जी बिजी हों
और एक काम आप ये करें कि आप लोगों के ग्रुप्स अगर नहीं बने हुए तो आप बना लें अपनी मर्जी से, लेकिन ये ख्याल रखेंगे 5 से ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो ग्रुप की। और मुझे लिस्ट आप लोग ग्रुप में शेयर कर दें जिसमें आपके ग्रुप का नेम और ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेम एंड रोल नंबर्स बताए गए हों। मैम 6-6 बच्चों के ऑलरेडी बने हुए हैं मैम, 10 ग्रुप है ना। ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी बने हुए हैं ना तो फिर आप वही मुझे सेंड करने के, उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइमिंग दे दूंगी ताकि आप फर्स्ट से पहले पहले निकले। ठीक है, लेक्चर्स तो आपके बहुत कम है, ये हम 2 या 3 लेक्चर्स मैक्सिमम में आपका कोर्स कवर हो जाएगा, कोर्स आपका नहीं है। और आपने कैलकुलेशन भी देख लिया कितनी सिंपल है, इसके लिए आप मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा आपको, तो हम अपना फिर काम वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके मैम, ठीक हो गया। मैम जो क्वेश्चन है सॉल्व करवाया आपने, इसकी जी जो इसकी एप्लीकेशन है इसको ना एक दफा रिपीट कर दे, मतलब इसके स्टेप्स जो हैं। स्क्रीन तो मौजूद है मैम जी, इसी के फर्स्ट फंडामेंटल वाले की। यस मैम, इसके जो लास्ट वाला पेज था जिसमें हमने प्रूव किया कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आंकलन को शो करती है, या फिर ये जो अभी सब स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को। मैम जो एग्जांपल आपने करवाई है ना ये वाली, इसको ही आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, दोबारा रिपीट करते हैं। आपके पास एक गिवन होगा, जैसे यहाँ पे स्फीयर गिवन है आपको, ठीक है, और जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि लास्ट जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई थी इसमें कोऑर्डिनेट पैचेस आपको दिए गए थे, उन इस तरह आपको ये आर गिवन होगा। ठीक है, उसके कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसमें यू एंड वी हैं। अगले एग्जाम्पल आपने देखा था एक्स एंड वाई थे, तो आपने उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो भी कोई वेरिएबल आपने जैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने पहले फर्स्ट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, इससे आपके पास ये आर सबस्क्रिप्ट यू जो कि शो करता है कि आपने यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है। और फिर आपने इसका सेकेंड वी के रिस्पेक्ट से, सेकेंड वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है आर वी, जो कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में और शो करेगा कि आपने किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लिया है, यानी अगर एक्स एंड वाई होंगे तो आप एक्स एंड वाई ले लेंगे। फिर ई जो है मैम, हम लोग अपने कोर्स जी मैम आपने कहा था कि ना अगर आई आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली आई से शो किया जाएगा, तो वो क्या आर इनटू यूवी उसको आई से जेड करेंगे? आई नहीं, आई तो जो चीज शो कर रहा है ना कि उसकी मतलब थ्री डायमेंशनल है ना। नहीं मैम, नहीं मैम, ये नो नो मैम, जो आपने स्टार्ट में कहा था आई से उसको मोस्टली कहा था कि मोस्टली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ये कैपिटल आई होता है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। इसी तरह आप सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जी मैम तो रिप्रेजेंटेशन उसमें टू आईज आएंगे, ये वन है तो ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, और जब आप सेकंड फंडामेंटल फॉर्म नेक्स्ट सेकंड इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें फिर यहां पे टू आईज होंगे। और ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो फर्स्ट ई एफ जी हम यूज करते हैं ये तो ये है, ऐसे इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसकी मैम ये भी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करने का एक मेथड है, लेकिन हमने यूज वो फार्मूला वाला करना है। हम वो फार्मूला वाला यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगले हमारे जितने भी हैं ना, जैसे हमने सेकंड फंडामेंटल फॉर्म पढ़नी है, या मैंने आपको बताया कि हमने टूल्स पढ़ने हैं, वो सारे जो हम लोग अपनी स्टडीज के लिए कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी में स्टडीज के लिए हम लोग करते हैं, वो अच्छे सारे कोर्स में शामिल हैं, तो उन सब में ये ई एफ और जी शामिल होते हैं, तो फिर हम बेहतर है कि ई एफ जी वाला ही लेके चलें, क्या ख्याल है? जी मैम ठीक है मैम, ये बाकी तो, सारी एग्जांपल समझ आ गई, ये जो लास्ट वाला पेज है ना उसकी इतनी अच्छे से नहीं आई, वो भी कर लेते हैं अभी, आपके पास टाइम तो है अभी। आप हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे, ठीक है, ई जो है आप आर यू डॉट आर यू से ले लेंगे, और एफ के लिए आप आर यू डॉट आर वी यूज करेंगे। ये मैं आपसे अभी शेयर कर देती हूँ लेक्चर के बाद ताकि आप इसको स्टडी कर सकें। और इस केस में जीरो आ गया, हमेशा जीरो नहीं आएगा, नेक्स्ट में जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, जी यूज होगा जो कि वी डॉट आर वी डॉट आर वी के लिए हो रहा है। और लास्ट पेज पे चले जाते हैं, लास्ट पेज में सिर्फ ये काम किया है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि जी हम इससे आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, तो हम उसका प्रूफ दे रहे हैं कि हमने आर्क लेंथ एक जनरली एक कर्व ले लिया आर ऑफ टी, और फिर हमने क्या किया कि ए बी दो एंड पॉइंट्स डिसाइड कर लिए जिनके दरमियान हमने गिवन जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है, गिवन आर्क की या कर्व की।
तो वो कर्व आर शो कर रहा है, ए से बी हमने एंड पॉइंट्स ले लिए, ये फॉर्मूला हम पहले से यूज करते आ रहे हैं कि हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर मॉडुलस लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने ये फिर ए टू बी अप्लाई कर दिया इसको। मॉडुलस लेने का तरीका क्या है कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर स्क्वायर ले लें, ये हम उसमें भी करते रहे हैं ना, ये जो हमारा फाइंड का लास्ट लेक्चर्स थे जिसमें हमने मॉडुलस के केस के नॉर्म फाइंड किए थे, और हमने कहा था कि जनरली हम लोग ये डॉट वाला यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमारा गिवन कर्व था और हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है तो दोनों वेरिएबल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि पहले हमने इसका यू की चेन रूल अप्लाई कर दिया ना इस पर, फिर हमने ये जिसका आंसर आ रहा था इसको ये बेसिक फार्मूला के अंदर रख दिया और डॉट प्रोडक्ट ले लिया सिंपल। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि फर्स्ट जो इसका टर्म आ रही है इसमें आर यू डॉट आर यू आ रहा है, और हम इसको ई कहते हैं अपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का क्वेश्चन, और आर यू डॉट आर वी को हम लोग एफ कहते हैं और इसको हम लोग जी कहते हैं। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि अगर हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हम किसी भी चीज़ सरफेस की ले लेते हैं तो उस पर गिवन कर्व जो भी कोई होगा उसकी आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बस प्रूफ किया। मैम अगर हम क्वेश्चन में ये वाला EGF ना इस्तेमाल करें जो पहले वाला आपने बताया था वो करें, मैट्रिक्स टेंसर वाला, मैट्रिक्स स्पेस वाला, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म करनी है ना फिर तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखें कि जी मेरे हिसाब से जी मैट्रिक्स टेंसर पूरा फाइंड आउट करना ज्यादा लंबा काम है, और देखेंगे जो भी आपको बेहतर लगता है आंसर आपको बिल्कुल सही होगा। हाँ ये ज़रूर होता है कि एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन देते हैं और वो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उसमें हम एट ए टाइम 2-3 चीज़ें से पूछ लेते हैं, यानी कि हम ये भी कहते हैं कि इसकी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म और एक दो और फार्मूलाज जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो वो फाइंड आउट करें, तो वो ये ई एफ और जी पे बेस कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपको आसानी होगी कि आपने एक ही दफ़ा ई एफ एंड जी फाइंड आउट किया तो आप उसको आगे हर जगह यूज करते जा रहे हैं, और इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। आप नहीं मैम वही पूछने लगा हूँ ना कि वहाँ पे जो आपने लिखा था x1 और x2 और y1 और y2 तो वो मैम x1 और y1 इसमें ये अब डिफरेंस आएगा जब हम इसको सामने रखेंगे। देखें इसमें r है ना, r u जी मैम, तो इसमें u और v की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास अच्छा वो जो x का x है ना, x का रोल जो है ना ये प्ले कर रहा है, ठीक है जी मैम, तो y है उसका रोल ये r भी प्ले कर रहा है, ये जो r है ना ये आपके पास एक कर्व है जी मैम, ठीक है, और जब आपने इसको r u लिया तो ये टेंजेंट को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया जिसकी डायरेक्शन अलोंग u डायरेक्शन, और जब आपने r v लिया तो ये वो टेंजेंट है अलोंग v डायरेक्शन, बस ये फर्क है, ये x था उसका और ये उसका y है। अब देखें फर्दर ये दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है आई, मतलब इसकी आगे जो दो डायरेक्शन है आई और जे उसमें हमने क्या ली थी, उसमें भी लिख सकते हैं यहाँ पर आर वन और आर टू दो डायरेक्शन ज्यादा से ली थी, यानी ये वो कर्व डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास दो कर्व आ रहे हैं ना आर यू एंड आर बी, तो एक्स जो आर बी को शो कर रहा है और जो आर बी है वो वाई को शो कर रहा है, फिर फर्दर जाहिर है उसके अपने कंपोनेंट्स हैं वो जैसे कि उसमें यहाँ पे भी मौजूद है, और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको आप ये देखें यहाँ पे एक्स वन एंड एक्स टू लिखेंगे, फिलहाल दो ज्यादा होंगे तो फिर आप उससे ज्यादा ले लेंगे, पर उस केस में आपका जो मैट्रिक्स आंसर है ना ये भी 3×3 होगा फिर जी मैम, ठीक है। अभी जब हम लोग लाइन एलिमेंट वाला टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो उसमें फिर आपको जरा और ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये अभी तो हम सिर्फ 2×2 के मैट्रिक्स आंसर पे महदूद है ना, यहीं पे हम लोग रुके हुए, तो उसमें जब मैंने आपको बताया